कॉमन, मल्टीपल, और इसे हम कहते हैं हाईएस्ट। कॉमन फैक्टर, फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एससीएफ को कहते हैं। एससीएफ का एक और नाम है, एससीएफ का एक और नाम है पता है, जीसीडी है ना, जी सी डी, जीसीडी। एससीएफ का एक और नाम है जीसीडी, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर। एससीएफ को ही हम जीसीडी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको नोट कर लिए। चलिए एक भाषा लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, एलसीएम कहलाता है, हो एलसीएम कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, वही डिफिनेशन के नीचे में, जैसे यहां पर ले लिया 24 और यहां पर ले लिया हमने 16, ठीक है, 24 और 16 हमने ले लिया। अब यहां पर क्या करिए, इसी का लसा निकालना है, तो आप क्या करिए, पता है 24 का आप मल्टीपल लिखिए, मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हम लोग गुणज कहते हैं, मल्टीपल को हिंदी में हम लोग कहते हैं गुणज, गुणज। क्या बता सकते हैं 24 का मल्टीपल कौन कौन होगा? तो सबसे पहला मल्टीपल तो खुद होगा 24 एकम 24, फिर 24 दुना 48, 24 3 72, 24 4 96, 24 5 120 डॉट 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 डॉट। तो ये सब 24 का क्या है पता है, मल्टीपल है 24 का मल्टीपल। फिर हम यहां पर लिखेंगे पता है 16 का मल्टीपल लिखेंगे, 16 का हम मल्टीपल लिखेंगे, बोले तो गुणज, जो 16 से कटता हो, तो सबसे पहला तो खुद 16 होगा, फिर 16 दूना 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80, 16 6 96 डॉट 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 डॉट। तो 24 का ये मल्टीपल है और ये 16 का मल्टीपल है। कोई पूछेगा 24 और 16 का मल्टीपल कै गो हो सकता है, तो अनंत को हो सकता है, हैं? 24 का मल्टीपल अनंत को नहीं हो सकता, हमने 24 5 लिखा, 24 6 24 7 24 8 24 9 24 10, फिर 24 गुना 11, 24 गुना 12, 24 गुना 13, ये कह सकते हैं अनंत को इसका मल्टीपल हो सकता है। तो यहां पर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल।
कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या, जो मल्टीपल दोनों में हो, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो अब जैसे देखो दोनों में कौन कौन मल्टीपल है, तो आपका जवाब होगा कि सर दोनों में देखो एक ये है, 96 दोनों में है, और कौन है 48 भी दोनों में है। ऐसे आगे आप लिखिएगा तो ढेर सारा कॉमन मल्टीपल मिलेगा, आप आगे उसे भी लिखेंगे इसे भी लिखेंगे तो ढेर सारा कॉमन मल्टीपल मिलेगा। लेकिन कॉमन मल्टीपल में जो सबसे लोवेस्ट होता है वही क्या होता है, लसौ होता है। आप बताओ इन दोनों में कॉमन मल्टीपल में जो सबसे लोवेस्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, वही तो एलसीएम का कह सकते हैं फुल फॉर्म है, पूरा नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका डिफिनेशन भी है। तो बताइए कॉमन मल्टीपल 48 हुआ, 96 हुआ, ऐसे अनंत को होगा कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसमें सबसे लोवेस्ट कौन है 48, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम आपका हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। जो मैंने परिभाषा लिखाया उस परिभाषा को पढ़िए, इसमें सेटिस्फाइड करेगा। परिभाषा हमने क्या लिखाया कि वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम में हमेशा रहेगा छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कट रहा हो। आप सोचो वह छोटी संख्या कौन है जो 24 से भी कट रहा हो और 16 से भी कट रहा हो, तो 48 ही तो है जो 24 से भी कटता है और 16 से भी कटता है, नहीं कटता है 48 से 24 से भी कटता है और 16 से भी कटता है कि नहीं बात, 16 से भी कटता है और 24 से भी कटता है, तो ये आपका 48 ही आपका लसा हो जाएगा। क्या 48 से और कोई छोटा संख्या है जो दोनों से कट रहा है, नहीं। परिभाषा मैंने क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णता विभाज्य हो। तो आप देखिए इन दोनों से विभाज्य होने वाली, इन दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है 48, तो वही हमारा लसा हो जाएगा। नोट करिएगा उस डिफिनेशन के नीचे में ये चीज को नोट करेंगे सब लोग। चलिए भाई कोई डाउट है पूछना चाहते हैं बोलिएगा, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी बोलेंगे। हटाएं इसको, इसके बाद अगला एक भाषा लिखेंगे एससीएफ का डिफिनेशन। SCF का क्या नाम होता है, एक और GCD है ना, दोनों सेम है। कभी बोलेगा 10, 15, 20 का GCD बताओ तो समझ जाना है कि आपसे SCF ही पूछ रहा है ना। चलिए अगला एक भाषा लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो LCM में हमने लिखा है छोटी से छोटी संख्या, SCF में क्या लिखना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को, पूर्णतः विभक्त कर दे या पूरा पूरा काट दे, पूर्णतः विभक्त कर दे मस कहलाता है या SCF कहलाता है, SCF कहलाता है। अब देखिए उसके बाद यहां पर एक उदाहरण से हम चीज को समझेंगे, है ना, उदाहरण से चीज को समझेंगे। जरा सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई सुनिएगा यहां पे सभी लोग। अगला हमारा एग्जाम्पल ये 24 और 16 और इसका क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो देखो आप क्या करो, यहां पर 24 का SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 24 का हम फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर का मतलब जानते हैं क्या होता है, गुणनखंड होता है। कोई बताएगा 24 का फैक्टर क्या क्या होगा,
तो सबसे पहला तो एक होगा, फिर दो होगा, फिर तीन होगा, फिर चार होगा, फिर छह होगा, आठ होगा, बारह होगा, चौबीस होगा। फैक्टर, कोई भी नंबर्स का फैक्टर लिखना है मतलब आप समझो कि वो नंबर्स कट किससे किससे रहा है। तो 24 किससे कट रहा है, एक से, दो से, तीन से, चार से, छह से, आठ से, बारह से, चौबीस से। तो ये सब इसका फैक्टर हो गया, बोले तो गुणनखंड हो गया। ठीक उसी प्रकार आप यहां पर क्या करिए, 16 का फैक्टर लिखिए। आप 16 का फैक्टर लिखिए तो एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, चार हो जाएगा, आठ हो जाएगा और 16 हो जाएगा आपका, है ना। तो यहां पर हमने 24 का फैक्टर लिख दिया और ये 16 का फैक्टर लिख दिया हमने। अब देखो यहां पर एससीएफ क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, और कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो दोनों में हो, दोनों में हो। देखो इस फैक्टर को आप चाहे तो डिवाइजर भी कह सकते हैं, डिवाइजर है ना, गुणनखंड। तो वही हो गया ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, यहां हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर कॉमन डिवाइजर दोनों सेम ही होता है। तो आप बताइए सब लोग कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन है। तो आपका जवाब होगा कि सर कॉमन जो है, कॉमन जो है वो आपका एक है, और कौन है, दो है, और कौन है, चार है, और कौन है, आठ आपका है ना। तो कॉमन फैक्टर की यदि बात करें तो एक भी है, दो भी है, चार भी है और आठ भी आपका है। अब बताओ एससीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट हो, जो सबसे बड़ा हो। तो कॉमन फैक्टर एक भी है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, दो भी है, चार भी है, आठ भी है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, आठ है। तो याद रखना एससीएफ जो है वो आठ हो जाएगा। एससीएफ 24 और 16 का मसा कितना हो जाएगा, आठ। देखो एससीएफ जो होता है, एससीएफ जो होता है उसका परिभाषा मैंने अभी क्या लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा विभक्त कर दे, इन दोनों को पूरा पूरा काट दे। सोचो वह बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जिससे 24 भी कट जाता हो पूरा पूरा और 16 भी कट जाता हो, तो बता सकते हैं, आठ होगा। आठ से देख लीजिए 24 भी कट रहा है और आठ से आप देख लो 16 भी कट रहा है कि नहीं बात। क्या आठ से बड़ा कोई संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा काट सकता है क्या, नहीं है। आठ से बड़ा यहां पर कोई संख्या नहीं है जो दोनों काट सकते हैं। ऐसे दोनों को तो काटने वाला संख्या आपका चार भी है, चार से भी दोनों कट रहा है, दोनों से को काटने वाली संख्या तो दो भी आपका है, एक भी है, एक से भी दोनों कट रहा है, दो से भी दोनों कट रहा है, चार से भी दोनों कट रहा है, आठ से भी दोनों कट रहा है। तो लेकिन एससीएफ का मतलब ऐसा नहीं कि जिससे कट रहा सब मसा हो गया। एससीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा हो उसी को मसा कहते हैं। तो यहां पर आंसर हमारा एक, दो, चार नहीं होगा, कौन होगा, आठ आपका होगा। तो परिभाषा से भी सही है और इसका जो आपका फुल फॉर्म है उसके हिसाब से भी ये चीजें सही आपका है। तो बताइए एलसीएम एससीएफ समझ में, एलसीएम का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, तो लसा बराबर 48, और एससीएफ का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए, तो आठ, आठ से भी कट रहा है, भी कट रहा है। एकदम क्लियरिटी होना चाहिए, क्लियर चीजें ये होना चाहिए दोनों बातें। एलसीएम का मतलब जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, और एससीएफ का मतलब वह सॉरी गड़बड़ हो गया ना, वहां छोटी छोटी और यहां एससीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा काट दे। हटाएं इसको, देखिए यहां पर देखिए हमारा संख्या क्या है, तो आप कहोगे संख्या सर यहां 24 और 16 है, एलसीएम इसका कितना आया अभी बोलो, 48, और एससीएफ अभी कितना आया, आठ आया है ना। तो ये जो है ना, आप सभी को ये सीरीज ध्यान रखना है, यहां पर ये सबसे ऊपर में कौन है, एलसीएम, बीच में संख्या, एससीएफ सबसे नीचे। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं, और अगला पॉइंट है ये, कह सकते हैं कि यहां, यहां प्रत्येक ऊपर वाला
ऊपर वाला, यहां प्रत्येक ऊपर वाला अपने नीचे वाले से पूर्णता विभाज्य होता है। यह ध्यान रखना है कि यहां पर प्रत्येक ऊपर वाले अपने नीचे वाले से विभाज्य होता है। कोई बोलेगा कि लस क्या संख्या से कटेगा, तो 100% कटेगा। एससीएफ से कटेगा, 100% कटेगा, है ना। देखो सबसे ऊपर में कौन है, लस, और उसके नीचे में संख्या भी है और एससीएफ भी है। तो मैं दावे के साथ यहां पर कह सकता हूं कि लस जो होगा वो संख्या से भी कटेगा और मस से भी कटेगा। अच्छा अब बोलो यहां पर क्या है बीच में, संख्या, तो संख्या किससे कटेगा, तो इसके नीचे में कौन है, तो एससीएफ से कटेगा। क्या कोई संख्या आपने एलसीएम से कटेगा, नहीं कटेगा। याद रखना यहां प्रत्येक ऊपर वाला, ऊपर वाला अपने नीचे वाले से पूरा पूरा क्या होगा, कटेगा। जैसे एक उदाहरण इस पे सवाल बनता है, सवाल कहेगा निम्न में से ऐसे देगा, यदि यदि संख्याओं का एलसीएम 120 हो तो निम्न में से कौन, यदि संख्या का एलसीएम 120 हो तो निम्न में से कौन, निम्न में से कौन, यदि संख्या का एलसीएम 120 हो, यदि संख्या का एलसीएम 120 हो तो निम्न में से कौन एससीएफ, एससीएफ नहीं हो सकता, निम्न में से कौन एससीएफ नहीं हो सकता। देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यहां पर 30 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है 24, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 15 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यहां पे 27। तो ऐसा सवाल बनता है एलसीएम देख के बोलेगा बताओ एससीएफ कौन नहीं हो सकता है, कभी एससीएफ देख के और पूछेगा बताओ एलसीएम कौन नहीं हो सकता है। तो यहां पर देखिए एलसीएम कितना दिया है, 120, एलसीएम दिया है यहां पर 120, कहता है कि एससीएफ कौन नहीं हो सकता है। आप बताइए आपको क्या पता है कि एलसीएम हमेशा एससीएफ से कटता है, तो देखो 30 से 120 कट रहा है मतलब ये मसा हो सकता है, 24 से 120 कट रहा है मतलब ये मसा हो सकता है, और 15 से ये कट रहा है मतलब ये एससीएफ हो सकता है, लेकिन क्या 27 से ये एलसीएम कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये मसा नहीं हो सकता और हमसे नहीं वाला ही तो पूछता है, है ना। तो यहां पर आंसर 27 हो जाएगा, रीजन में लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि एलसीएम, एलसीएम विभाज्य नहीं है। हम जानते हैं कि एलसीएम एससीएफ से कटता है और यहां पर ये एलसीएम ई एससीएफ से नहीं कट रहा है, तो ये मसक कभी नहीं हो सकता, आंसर हो गया। बस यही तर्क है इसका, याद रखना यहां हर ऊपर वाले अपने नीचे वाले से कटेगा, है ना। एलसीएम किससे कटेगा, तो आपका जवाब होगा सर संख्या से भी कटेगा और मसा से भी कटेगा। संख्या किससे कटेगा, तो एससीएफ से कटेगा आपका, नोट करिएगा। कुछ पूछना है इसमें किसी को, ये बड़ा काम का चीज है, इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है और इस आधार पर आप आंसर दे सकते हैं इसको देख करके। ये मैंने लिखा है और उसी के आधार पर ये भाषा लिखा है कि यहां प्रत्येक ऊपर वाला अपने नीचे वाले से ही भाज होता है। सबसे नीचे में कौन होता है, एससीएफ, एससीएफ किसी से नहीं कटता है क्योंकि एससीएफ के नीचे में कुछ नहीं होता है, है ना। एलसीएम सबसे ऊपर, बीच में संख्या, एससीएफ सबसे नीचे। बड़े आगे चलिए, इसके बाद
यहां पर देखिएगा सभी लोग, यहां पर आप ले लो तीन और ले लो पांच, आप बताइए क्या ये प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है, तीन भी प्राइम है और पांच भी प्राइम है, प्राइम है ना? तो पता है एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपका प्रोडक्ट होता है, देयर प्रोडक्ट, उनका गुणनफल होगा। कभी भी अगर यहां पर प्राइम नंबर रहेगा तो एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होगा, है ना? कुछ और नहीं होगा, सीधे गुणा करेंगे डायरेक्ट, है ना? तो आप बताओ यहां पर लसा कितना हो जाएगा जी? तो तीन पंचे आपका पंद्रह हो जाएगा, है ना? अगर मान लेते हैं इस प्राइम के जगह पर को प्राइम रहेगा ना, जैसे यहां पर दोनों प्राइम में था, देखो ऐसा ले लेते हैं, हमने ले लिया यहां पर तीन और यहां पर लिया आठ, क्या ये दोनों प्राइम है? तीन तो प्राइम है बट आठ प्राइम है क्या? नहीं है, आठ यहां पर प्राइम नहीं है। तो पता है इसको हम क्या कहेंगे? इन दो संख्या को हम कहेंगे को प्राइम कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे, हम को प्राइम कहेंगे। और ऐसी स्थिति में भी जो एलसीएम होगा ना, ऐसी स्थिति में भी जो एलसीएम होगा वो उनका प्रोडक्ट ही होता है ना? अगर हम को प्राइम की बात करें तब, अब अगर हम इन दोनों के एससीएफ की बात करें, अगर एससीएफ की बात करें तो याद रखना ऑलवेज वन होता है, ऑलवेज वन होता है, हमेशा कितना होता है भाई? एक होता है, ध्यान रखना ये, हमेशा एक होता है, है ना? एससीएफ का मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूरा पूरा काट दे। आप बताओ इन दोनों को काटने वाली संख्या कौन है? एक है, एक से यह भी कट रहा है तीन बार में और एक से यह भी कट रहा है पांच बार में। बताओ एक के अलावे कोई है माई का लाल एक के अलावे जो दोनों को पूरा पूरा काट सकता है क्या? नहीं है। सिर्फ यहां पर कौन है? एक ही आपका है, सिर्फ एक नहीं, हम कैसे काट देंगे? एक है, सिर्फ एक ही काटेगा, दूसरा कोई नहीं काटेगा। हम कोई नंबर थोड़ी ना, हम तो इंसान आदमी है ना, ये नंबर की बात हो रही है। अब कोई इंसान भी एक के अलावा नहीं काट सकता, एक से कटिए रहे तो, है ना? तो याद रखना है ये दोनों भी कट रहा है एक से ही, तो मसा एक, और ये दोनों भी किससे कट रहा है? एक ही से कट रहा है। कुछ लोग सोचेंगे सर तो चार से कटिए रहा है। देखो मसा का मतलब सिर्फ किसी कोई एक संख्या कटना नहीं होता है, मसा का मतलब जय वो संख्या वो सब कटना चाहिए। तो बोलो सब है, दोनों किससे कट रहा है? सिर्फ एक से, चार से ये कट रहा है बट चार से ये कट रहा है क्या? तो दोनों किससे कट रहा है? सिर्फ एक से, तो मसा एक हो जाएगा। तो याद रखना प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, एलसीएम जो होगा वो उनका प्रोडक्ट होगा और एससीएफ हमेशा कितना होगा? वन होगा, ये बात ध्यान रखना है, नोट करिएगा सब लोग। हाँ हिमांशु रंजन बिल्कुल सही बात है, यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है जो 120 से ना कटे। वो ऑप्शन में 27 दे रखा था तो हमने 27 यहां पे लगा दिया था पिछले सवाल में। मतलब तीन को होगा कटने वाला और एक को ना कटने वाला होगा, वही उत्तर हो जाएगा। बोलिए जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, आगे बढ़ते हैं, बढ़े हैं। देखो इसके बाद यहां पर जो है, यहां पर ध्यान देंगे, एलसीएम बाई डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, एलसीएम बाई डिवीजन मेथड। जैसे मान लेते हैं कि आपको 24 दे रखा है, 36 दे रखा है, 64 दे रखा है, ठीक है, और आपको निकालना है इन सब का एलसीएम, और 64 दे रखा है, निकालना है इन सभी का एलसीएम। तो कैसे करेंगे मेरी बात को सुनिए गौर से। देखो 24, 36
और 64 का लसा निकालना है। तो पहला तो हमारा डिवीजन मेथड हो गया, इसी को कहते हैं भाग विधि। सबसे पहले हम भाग लगाते हैं किससे, दो से। ऐसे एक बात मैं आपको बता दूं कि कम से कम दो संख्या कटना चाहिए, उसी से भाग लगाते हैं। तो जैसे दो से अगर हम किए तो कितना हो जाएगा बोलो, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। फिर दो से कट रहा है तो लगा देंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। फिर देखो ये दो से कट रहा है ना, ये भी दो से, ये भी दो से, कम से कम दो गो संख्या जरूर कटना चाहिए, उसी से भाग लगाएंगे। तो दो से भाग लगाइए तो यहां पर 3, यहां पर 9 और यहां पर 8। फिर देखो इसके बाद 3 से भाग लगेगा क्योंकि 3 से ही दो गो कट रहा है, दो गो कम से कम जरूर कटना चाहिए। तो 3 से एक बार में, 3 से 3 बार में और ये 8 बार में, अब तो भाग नहीं लगेगा है ना। तो इसको हम गुणा कर देंगे, हमारा यही लसा हो जाएगा, हमारा यही लसा हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे। तो गुणा करिए, दो गुणा दो गुना दो गुना तीन गुना तीन गुना 8 हो जाएगा आपका। तो बताइए, 2 दुना 4 दुना 8 तीय 24 तीय 72 8 576 यहां पर आंसर हो जाएगा। तो ये डिवीजन मेथड से इस तरीके से हम लसा निकालेंगे, बचपन में हम लोग इसी तरीके से निकालते थे। दूसरी नंबर जो यहां पर है, यहां पर है, उसको हेडिंग लगाएंगे सब लोग यहां पर। इसके बाद एलसीएम, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, LCM by prime factorization method, prime factorization method, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि आपका, LCM by prime factorization method। तो LCM by prime factorization के लिए सभी को क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर लिखना पड़ेगा। आइए यहां पर हम 24 का प्राइम फैक्टर लिखते हैं, तो क्या 24 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 8 और 3 24 3 के पावर 1, लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। देखो ये चीजें मैंने आपको पहले भी लिखना सिखाया है नंबर ऑफ डिवाइजर चैप्टर में, है ना। क्या किए, 2 से भाग लगाए तो 12, फिर 2 से भाग लगाए 6, फिर 2 से भाग लगाए 3, तो 2 3 बार आया तो 2 का क्यू और गुणा में 3 के पावर 1, ठीक है। फिर देखो इसके बाद हम बात 36 का करते हैं, तो 36 को हम लिख देंगे 2 के पावर 2, तो 4 हो गया और गुणा 9 बचा तो 3 के पावर 2, 4 9 36 हो गया। अगर हम बात 64 का करते हैं तो 2 के पावर 6 हो जाएगा आपका, 2 के पावर 6 64 होता है कि नहीं बात। अब देख लो हमने क्या किया, इन तीनों संख्या 24 36 64 का प्राइम फैक्टर लिख लिया। प्राइम फैक्टर करने आता है, देखो 2 से भाग लगाए 32, फिर 2 से भाग लगाए 16, फिर 2 से भाग लगाए 8, फिर 2 से भाग, इसी विधि को तो कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन विधि, यही तो होता है प्राइम फैक्टर लिखने का तरीका। तो 2 कुल मिला के 6 बार आया तो 2 के पावर 6 लिख दिए। अब सुनिएगा, ऐसी स्थिति में जब प्राइम फैक्टर लिख दिए तब एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर का गुणनफल, मैक्सिमम पावर का गुणनफल होता है। तो बोलिए इसमें 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, बोलो भाई, 2 में 2 का मैक्सिमम पावर 6 है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है। अच्छा 3 उसमें था, इसमें इसमें 3 है, तो तीनों में रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैक्सिमम पावर को गुणा कर देंगे हमारा लसा हो जाएगा, मैक्सिमम पावर को गुणा कर देंगे हमारा लसा हो जाएगा। तो आप सारे विद्यार्थी 2 के पावर 6 करो 64 और गुणा में 9 करिए तो आंसर कितना, 576 हमारा आंसर हो जाएगा।
तो याद रखना कि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लसा निकाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम पावर का गुणनफल जो है ना वो हमारा लसा होता है। ऐसा भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर का गुणनफल को लसा कहते हैं। आई तो खैर बचपन से डिवीजन मेथड करते चल रहे हैं। कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा। मनजीत कुमार सिंह, क्या डाउट है भाई बोलो। बड़े आगे देखे तो इसके बाद आप देखो यहां पर हमारा अगला इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो पता है एलसीएम निकालने के लिए आप एक तरीके भी लगा सकते हैं। आप इसको फैक्टर्स में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे इसके, इसको फैक्टर्स में क्या करेंगे, इसको आप ब्रेक करेंगे, इसको फैक्टर्स में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे इसको हम लोग, है ना, फैक्टर्स में तोड़ेंगे। यहां पर आप लिख सकते हैं ब्रेक इंटू फैक्टर्स, फैक्टर्स में इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे बात अगर हम 24 का करते हैं तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, चार गुना छह चलेगा क्या, चार गुना छह चलेगा। अगर हम 36 की बात करें तो 36 में आपका छह गुना छह। अगर हम बात 64 का करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक काम करो ऐसे चार गुना आप नौ कर सकते हो, चार नवे 36 और यहां पर देखिए चार गुना में 16 आपका हो जाएगा, चार गुना 16 हो जाएगा। लेकिन ये उचित रहेगा, बड़ा संख्या में तो बनबे नहीं करेगा, छोड़ दीजिए ये तरीका, ज्यादा माथा लगाना है, इसको हटा दो, क्योंकि छोटा संख्या का तो आप लसा ऐसे भी लिख लेंगे, है ना। ये तरीके लगेगा सब जगह, ऐसा नहीं गलत नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े सवाल में जैसे डाटा थोड़ा बड़ा देगा तो फिर आप नहीं कर पाइएगा, है ना। हटा दो कोई मतलब नहीं है, मैंने सोचा चलो लेकिन हटा दो इसको, ज्यादा तरीका बढ़ाने कोई मतलब नहीं है। तो एक इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद, इसके बाद देखिएगा SCF ले लिए, उसको हटा दीजिए, SCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड SCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड हमारा अगला है। जैसे अगर आप इसी का निकालना चाहें, किसका, 24 का, 36 का और 64 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, 24 का प्राइम फैक्टर लिखिए, कितना है, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1, और फिर 36 को लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, और फिर 64 की बात करें तो 2 के पावर 6 हो गया। अब देखो बात हम SCF का करते हैं, तो SCF जो होता है ना वो होता है थोड़ा सा उससे अलग है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, जो सब में हो, के कॉमन फैक्टर के मिनिमम पावर, मिनिमम पावर का गुणनफल, कॉमन फैक्टर के मिनिमम पावर का गुणनफल। SCF का मतलब क्या हो गया, कॉमन फैक्टर के मिनिमम पावर का गुणनफल। तो आप हमको बताइए कि सब में कॉमन फैक्टर कौन है, कॉमन का मतलब जो तीनों में हो, तो 2 का टर्म कॉमन है,
दो है ना, सब में दो है, और उसका मिनिमम पावर को हम लेंगे। तो मिनिमम पावर देखो, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो मिनिमम पावर क्या हो गया? 2। अब 3 को हम लेने को सोचे, बट 3 का टर्म इसमें तो है, इसमें है, लेकिन इसमें है नहीं। और SCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर के मिनिमम पावर का गुणनफल। तो आंसर हमारा सिर्फ 2 के पावर 2 यानी 4 ही हो जाएगा आपका, है ना। और इसमें क्या था, LCM में मैक्सिमम पावर का गुणनफल, चाहे कॉमन हो या ना हो, सबको बस मैक्सिमम पावर को गुणा कर दो, लसा हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हम बात SCF का करते हैं, तो याद रखिएगा कॉमन फैक्टर मतलब वो फैक्टर को लेंगे जो सब में रहेगा, और वो भी मिनिमम पावर को लेंगे। SCF में मिनिमम पावर और LCM में मैक्सिमम पावर लेंगे, नोट करिएगा इसको। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप करना चाहे तो फिर इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग SCF बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि। लिख लिए इसको, यहां पे हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे SCF बाई लॉन्ग डिवीजन डिवीजन मेथड। SCF बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम क्या कहते हैं, लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि। याद है जो बचपन में हम लोग करते थे, ऐसे कॉपी का ई वाला छोर से शुरू करते थे, तिरछे भागता था, ये खत्म होता था ये कोना पर, है ना, वही वाला आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहां पर सवाल को हमने थोड़ा बदल दिया, कर दिया कहीं पे बुक भी है क्या? देखिए चार सौ तीन संख्या थोड़ा यहां बदल दे रहे हैं हम, फिर इसके बाद 744, फिर इसके बाद 1023, 403, 744, 1023, 1023। अब देखो यहां पर आपको क्या निकालना है, SCF निकालना है। चाहे तो आप ये फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं ना, हमें सीखना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप यहां पर डिवाइड करिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड में यही तो था कि जो सबसे छोटी संख्या रहेगा, 403 है ना, तो 403 से हम क्या करते हैं, 744 दूसरी संख्या में भाग करते हैं, भाग करते हैं। तो आप बताइए, सब लोग भाग दीजिए, यहां पर भाग लगेगा एक बार में, तो हो जाएगा 403 हो जाएगा। अब 4 में से 3 घटा 1 हो गया, और फिर यहां 4 हो गया, और फिर 3 हो गया। अब जो शेषफल मिला ना, उस शेषफल से भाग इस भाजक में देते हैं, ये वाला यहां पे उतर जाता है। बचपन में लोग यही तो पढ़े थे, 403 उतर जाएगा यहां पर। फिर भाग लगाइए तो एक बार में कितना हो गया, 341 हो गया आपका। तो भाग कितने लगेगा, 62। फिर 62 से भाग लगाएंगे इसमें, तो भाग लगेगा 5 बार में, 310 हो गया, 310। तो फिर यहां क्या बचा, 31। आ 31 से भाग लगा 62 बार में, है ना। तो यहां पर बताइए, इन दोनों के लिए मसा का काम कौन करेगा, 31। इन दोनों का मसा हो गया कितना, 31। जो सबसे आखिरी भाजक जो होता है ना, सबसे आखिरी जो भाजक है,
आखिरी भाजक यही है। देखो सबसे पहली बार इससे भाग दिए तो पहला भाजक, इससे भाग दिए दूसरा भाजक, इससे भाग दिए तीसरा भाजक, और सबसे लास्ट टाइम भाग किसे दिए 31 से, वो हो गया आखिरी भाजक। और मैं आपको बता दूं कि आखिरी भाजक को ही SCF कहते हैं, यदि दो संख्या रहेगा सिर्फ तब, लेकिन यहां पर कै गो संख्या है, तीन गो है। तो आपको नहीं लग रहा है कि फिर 31 से हम इसमें भाग देंगे, फिर 31 से हम भाग किसमें देंगे? देखो जो इन दोनों का मसा आया है, जो इन दोनों का सबसे आखिरी भाजक होगा उससे फिर भाग हम अब तीसरी संख्या 1023 में देंगे। तो आप सारे विद्यार्थी भाग लगाइए, 31 तिये 93, 31 तिये 93, तो बचा कितना 9, और 9 पर 3 93, तो 31 तिये 93 पूरा पूरा कट गया ना जी। तो पूरा पूरा कट गया तो यही क्या हो गया हमारा मसा हो गया, यही हमारा मसा हो गया, कितना 31 हो गया आपका। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये है कि पहले दो गो को लेके चलिए आप, फिर जो सबसे आखिरी भाजक आएगा उससे उससे फिर इसमें क्या करना है भाग देना है। देखो इससे पूरा पूरा क्या हो गया कट गया, इसका मतलब मसा हमारा 31 ही हो जाएगा, मसा हमारा 31 हो जाएगा। एक दूसरा सवाल यहां पे लेते हैं, एक दूसरा सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल में हमने ले लिया 403 और ले लिया 1023 ले लिया यहां पर, ठीक है 403 और 1023 हमने लिया है, तो बताइए इसका मसा निकालना है। तो 403 से हम क्या करेंगे 1023 में भाग देंगे, तो भाग लगाइए दो बार में भाग लगेगा क्या, कितना हो गया 800, 6 हो गया, तो 13 में से 6 घटेगा 7 1 और ये कितना हो गया 2, और 217 से भाग हम 403 में देंगे तो भाग लगे कै बार में एक बार में 217। अब बोलो 13 में से 7 घटेगा 6 और 9 में से 1 घटेगा तो 8 और 3 में से 2 घटेगा 1, फिर 186 से भाग हम 217 में देंगे तो भाग लगा एक बार में कितना 186, 7 में से 6 घटेगा 1 और फिर 21 में से 18 घटेगा 3, और फिर यहां पे भाग दीजिए 186 में तो भाग लगेगा 6 बार में, अब पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो सबसे आखिरी भाजक क्या आया 31, तो याद रखना आखिरी भाजक को ही SCF कहते हैं, आखिरी भाजक को ही हम SCF कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी इन दोनों का मसा कितना हो गया 31 हो गया। अच्छा यहां पर पहला भागफल क्या आया 2, फिर क्या आया 1, फिर 1 और फिर 6, तो याद रखिएगा यहां पर 2 1 1 6, इसको हम लोग कहते हैं भागफल, कहते हैं क्रमागत भागफल या फिर सक्सेसिव कोसेंट, है ना, इसको कहते हैं क्रमागत भागफल, भागफल कहते हैं, है ना। ये भागफल हो गया 2 1 1 6, सबसे पहला भागफल 2, उसके बाद 1 फिर 1 और सबसे आखिरी भागफल यहां पर 6। तब तक भाग देते रहना होता है लॉन्ग डिवीजन में जब तक ये पूरा पूरा कट नहीं जाता है, इस बात का ख्याल रखना है। इसमें कुछ कहना है किसी को? ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड में याद रखना क्रमागत भागफल, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला हमारा हेडिंग होगा SCF बाई डिफरेंस मेथड, SCF बाई डिफरेंस मेथड। SCF बाई डिफरेंस मेथड अगला हमारा होगा, SCF बाई डिफरेंस मेथड। कैसा पैकिंग हो गया क्या? हेडिंग लगाइए जल्दी से SCF बाई डिफरेंस मेथड। SCF by difference method, difference method, SCF by difference method। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक है ना।
वापस मिलेंगे कल के क्लास में। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, जितनी चीज मैंने बताया उन सारी चीज को थोड़ा रिवाइज करके आप आइएगा, है ना। अगला हम देखेंगे डिफरेंस मेथड, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, निकलिएगा सब लोग।